अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। आजच्या आधुनिक ऑनलाईनच्या काळात बऱ्याचशा लोककला या लुप्त होत आहेत, तरी सुद्धा काही लोककलावंत हा त्यांचा पारंपरिक लोककलेचा वारसा जपत आहेत। लोककलेचाच एक धार्मिक प्रकार म्हणजे रामलीला। रामलीला पूर्वी एकाच ठिकाणी संपूर्णपणे सादर केली जायची, परंतु या रामलीला कलावंतांना मिळणारा अत्यल्प प्रतिसाद बघता या कलावंतांनी सुद्धा आता भटकंती करून रामलीला सादर करणे पसंत केले आहे। असेच काही रामलीला सादर करणारे कलावंत सध्या जामनेर शहरामध्ये दाखल झालेले आहेत। मूळचे कर्नाटक राज्यातील असलेले हे कलावंत हिंदी गाण्यासोबतच मराठी भाषेत सुद्धा सुरेल अशी भक्तिगीते शहरात सादर करताना दिसत आहेत। ओम नमः शिवाय, जय परमेश्वर।
ज्या लोककला आता लुप्त होत चाललेल्या आहे अशी रामलीला करणारे काही लोककलाकार आपल्या सोबत आहेत. आपण त्या लोककलाकारांकडनं या विषयीची माहिती जाणून घेणार आहोत. हम लोग रामलीला वाले साल में एक बार तुम्हारे गाँव में कर्नाटक से आते हैं. गाँव में आकर दो चार दिन प्रोग्राम करके जो आखिरी में जो लोगों देते हैं खुशी से लेके जाते हैं. अब इधर हम लोग साल भर में एक ही बार आकर तुम्हारे गाँव में ऐसा प्रोग्राम करते हैं. फिर हमारा ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद फिर गाँव जाते हैं. फिर उसके बाद जब हमको टाइम लगता है उस टाइम में फिर वापस आ जाते हैं. ऐसा कुछ है कि आपका कि ये दिनों में ही ज़्यादा आप ये गाँव की तरफ आते हैं, यानी हर एक कर्नाटक से महाराष्ट्र में आते हैं? लेकिन कर्नाटक से हम महाराष्ट्र इसी में आते हैं कि हमारा दादा बड़ा दादा उनसे परंपरा से करते आए थे. पहला जो हम रामलीला करते थे गाँव में टेंट लगा के रामलीला दिखाते थे. अभी क्या है कि जो पहला जो रामलीला टेंट लगा के चलते थे ना, अभी वो चीज़ हम लोग इसीलिए बंद कर दे के जो एक जगह पे हम जो रामलीला करने के लिए टेंट लगाते हैं वहाँ पर कोई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों आते नहीं, क्योंकि कोई बच्चा रहते बूढ़ा रहते बड़ा रहते जो चलने में रहता है किसी को चलने में नहीं रहता, किसी को दिखता है किसी को ना दिखता है, इसीलिए लोगों ज़्यादा से ज़्यादा नहीं देखता. ऐसा प्रोग्राम ऑन कर गाँव में जब फेरी में चलते थे बच्चे से बढ़कर बूढ़ा तक भी सबको हम दिखाते हैं ये कला हमारा. लेकिन हम जीते राम के नाम पर मरते राम के नाम पर, कभी राम का नाम नहीं तोड़ते हैं. लेकिन दादा परदादा से रामलीला का काम कानन से करते हैं. ये कि हमको महाराष्ट्र में जब आते हैं तो हमको कोई लोगों दिल तो नहीं दिखाते, लेकिन जो भी हम फेरी करते हैं उनके जो प्रेम से देते हैं हम भी वो खुशी से लेते हैं. हमेशा जब आते हैं तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे गाँव में. तो महाराष्ट्र में आपको कोई तकलीफ वगैरह होती है क्या लोक कला? नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब भी आते हैं हमको अच्छा लगता है. लोक कलावंतांनी आपल्याला या त्यांचे जे अनुभव होते कर्नाटकहून ते महाराष्ट्रात येतात आणि महाराष्ट्रामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात ते रामलीला सादर करतात. पूर्वीच्या काळामध्ये टेंट लावून ह्या रामलीला व्हायच्यात, परंतु आता दिवसेंदिवस हे प्रमाण कमी होत असल्या कारणाने ते स्वतः प्रत्येकाच्या दारोदारी जाऊन रामलीला ही सादर करत असतात. कॅमेरामन सचिन माळीसह मी किरण सोनवणे, जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज, जामनेर. पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज. नमस्कार.